बच्चन जी में जो मतभेद हुआ उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जया बच्चन जी ने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसी में आप छेद करते हो, और रवि किशन जी ने कहा सबकी बॉलीवुड है, ऐसा नहीं कि आपका ऐसे बॉलीवुड, हर इंसान का बॉलीवुड है जो काम करते हैं, क्या कहूँगी उनके बारे में? उनके देखिए वो दोनों राजनेता हैं और मैं एक अभिनेता हूँ, उनमें मुझ में फ़र्क है। वो विवादित स्टेज पे हैं, हम विवादित स्टेज पे नहीं हैं। हम कोरोना काल में लोगों की बातें करें, लोगों की मजबूरी की बातें करें, लोगों की प्रॉब्लम की बातें करें कि अब हम उन दोनों नेताओं के बीच में उलझ जाएं। बट जया जी ने जो भी बोला वो सीनियर हैं हमारी, हमारी मदर हैं वो, उनके मन में क्या है बॉलीवुड के प्रति या भोजपुरी के प्रति। बट भाषा कोई बुरा नहीं होता, मेरे हिसाब से हर वो भाषा एक दूसरे की माँ होती है। उनके लिए हो सकता है जो भाषा हमारी गलत हो, बट ऐसा अब जया जी ने मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं कोई ट्रिपिंग नहीं कर सकता, और ना ही मैंने रवि जी को सुना, क्योंकि मैं लगातार मुझे लंदन जाना है और उसके बाद लिट्टी चोखा के शूट पे जाना है, तो लगातार मैं और गाने गा रहा हूँ, लगातार अपने म्यूजिक पे बैठ रहा हूँ, तो कभी मुझे इंटरव्यू या कभी मैं कोई विवादित चीज़ सुनने को मिला नहीं। और मैं विवाद से बड़ा अलग रहता हूँ, किसने क्या बोला नथिंग, मुझे जानना ही नहीं है कि किसने बोला क्या। हाँ, हमारी जनता की बात आती है कि हमारी जनता, हाँ हमारे समाज की बातें हैं, जिस थाली में खाते हैं हम तो उस थाली में छेद करते हैं, तो हिंदी से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जिस थाली में वो खाते हैं, जिस थाली में कौन छेद करता है, हिंदी से मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरी माँ मेरी भोजपुरी है, मेरी भाषा मेरी जान मेरी ज़िंदगी मेरी भोजपुरी के लोग हैं, तो मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ तो मैं बड़ा कुशल हूँ। अगर जया उस मदर को क्या लगता है भोजपुरी के बारे में, ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। उनके विचारधारा है एक भोजपुरी के प्रति, वो हमारे लिए बुरा भी सोचेंगी तो हमारी मदर की तरह है, हमारी माता की तरह है, उनका सम्मान है। और शायद उनका जितना अनुभव है हमारी उम्र भी नहीं हुई, तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा उनके लिए। नहीं सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है रवि किशन जी को। आप एक फटर्निटी है भोजपुरी के, आप क्या उनके सपोर्ट में? हमारे आदर्श है, हमारे पिता की तरह है। रवि भैया के शब्दों में जो चीज़ें होती है हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो जवाब दे सकते हैं इसलिए क्योंकि उनका स्टेज है, क्योंकि वो भी राजनेता है, वो भी राजनेता है, तो एक राजनेता का जवाब एक राजनेता देता है तो शायद बेहतर चीज़ें होती है, क्योंकि उनका अपना खुद का एक स्टेज है। हम एक अभिनेता हैं और रवि भैया हमारे स्तंभ हैं, हमारे अगर भोजपुरी के वचन अगर कोई कहे तो हमारे लिए रवि किशन है। चाहे वो देखिए किसी पार्टी से है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। हमारे मन में हमारे दिल में हमारे भोजपुरी समाज के लिए उनका सम्मान आजीवन रहना चाहिए सबके मन में, और मेरे मन में भी आजीवन वो चीज़ें रहेगी। तो उन्होंने जो भी बोला होगा अपने लेवल से बिल्कुल अच्छा बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए एक नेता हैं और सुलझे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने संसद भवन में भी भोजपुरी में पहली बार भोजपुरी के लिए सवाल उठाया था, तो मैंने बोला भी था कि पहली बार दिल्ली ऐसे जगह पे और पूरी दुनिया के सामने एक स्पीकर के सामने भोजपुरी के भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए रवि भैया ने पहली बार आवाज़ उठाया, वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो रवि भैया का जो पहल है वो बड़ा काबिलिय तारीफ है, और एक नेता के हिसाब से नहीं एक समाज सेवी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के लिए, अपने उस पिता के लिए, जैसे आजीवन जहाँ भी रहें वो खुश रहें, और मेरी दुआएं हैं 5 साल मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि जब तक वो जिए लोगों का ऐसे ही और लोगों के बातों के लिए अपने समाज के लिए लड़ते रहें। सर इस लॉकडाउन में